नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आप सब जानते हैं कि अभी भी काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया जारी है, और ऐसे में काशी विद्यापीठ द्वारा आज छठे राउंड की यानी कि सिक्स राउंड के काउंसलिंग के लिए जो मेरिट सूची अलग अलग कोर्सेज की वो काशी विद्यापीठ द्वारा जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ जो आपके मन में ढेरों सारे इस समय प्रश्न चल रहे हैं उसका भी हम आपको आज के इस वीडियो में उत्तर देंगे। आज हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए जिसमें हम चर्चा करेंगे और आपको मेरिट लिस्ट को दिखाएंगे। देखिए जो है संभवतः हम इन सभी टॉपिकों पर चर्चा करेंगे कि सिक्स जो मेरिट लिस्ट आउट हो चुकी है उसी काउंसलिंग की प्रक्रिया 18 नवंबर को होनी है, और कुछ कोर्सेज की लिस्ट नहीं आई उसकी भी मैं चर्चा कर लूंगा। साथ ही साथ किस कोर्स में कितनी सीटें खाली हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एलएलबी की काउंसलिंग का अपडेट क्या है, नेक्स्ट मेरिट लिस्ट या कह लें पेड लिस्ट कब आएगी, और साथ ही साथ हॉस्टल के फॉर्म को लेकर क्या अपडेट है, हॉस्टल का अलॉटमेंट कब क्या होगा कैसे होगा। साथ ही साथ इसके बाद जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं उनके फर्स्ट ईयर की क्लासेस को लेकर क्या अपडेट है उसकी भी चर्चा हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं और बताता हूं कि आप जो है मेरिट लिस्ट को चेकआउट कैसे करेंगे। तो आप mgkpac.in पे चले आएंगे और एंट्रेंस एग्जाम वाले पोर्टल पर जब आप विजिट करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आप देखेंगे तो बीएलबी बीएससी बायोलॉजी है, एमएफए एमएफए अप्लाइड एमएफए आर्ट्स है, बीएससी एजी बीएफए बीकॉम बीसीए बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन, और भी कुछ कोर्सेज की मेरिट लिस्ट जो है अभी अगले 2-4 घंटे में आपको देखने को आज शाम तक मिल सकती है क्योंकि ढेरों सारे कोर्स में काउंसलिंग की प्रक्रिया 18 और 19 अगस्त को माफ करेगा नवंबर को होनी है। तो अभी कुछ और भी इसमें लिस्ट आएगी अपडेट होगी थोड़ा सा आप लोग इंतजार करिएगा, ठीक है। तो ये था, बाकी आप किसी पे भी सपोज अगर आपका बीएलबी भी है यहाँ पे आप टाइप कर लीजिएगा, मतलब किसी भी जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा जो भी आपसे सब्जेक्ट से संबंधित है उसको डाउनलोड करके देखिएगा। अगर उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम है तो गेट पास को आप कर लीजिएगा डाउनलोड और अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया काशी विद्यापीठ में करवा लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको करना है। आइए अब हम चर्चा करते हैं और अगले अपने टॉपिक पे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे अगर आप काशी विद्यापीठ में एडमिशन ले चुके हैं लेने वाले हैं तो हमने आप सबके लिए टेलीग्राम जो है ग्रुप बनाया हुआ है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में है क्योंकि उस जो है ग्रुप के माध्यम से क्लासेस की अपडेट्स जो भी होंगी वो आपको उस जो है ग्रुप में बताया जाएगा। बिकॉज होता क्या है ना कि जो डिपार्टमेंट वाइज चीजें होती हैं वो वेबसाइट पे अपडेट नहीं होता है, तो इस केस में हम आपको अपडेट करेंगे। इसलिए अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में होगा। अब आइए इसकी मैंने चर्चा करी कि भाई छठे राउंड की काउंसलिंग की डेट आ चुकी है। अब कुछ बच्चों का सवाल है कि सर किस कोर्स में कितनी सीटें खाली है। तो देखिए भाई आमतौर पे जो नियम ये होता है कि जब 75% सीटें फुल हो जाती हैं, 75% सीटें, तभी जाकर के किसी भी कोर्स में जो आपकी क्लास का संचालन होता है यानी क्लास जो शुरू होती है 75%। सपोज मैं एक कोर्स का एग्जांपल लेता हूं, मैं एक कोर्स में जो है आप बोलूंगा बीकॉम है, तो बीकॉम में क्या है ना कि 75% सीटें फुल हो चुकी है तभी जाकर के उसमें क्लास शुरू हुआ है। तो अगर किसी भी कोर्स में या किसी सब्जेक्ट में समझिए कि अगर क्लास शुरू हो रहा है तो आप ये मान लीजिए कि उसमें 75% के आसपास सीटें फुल हो चुकी है, तो ऐसा माना जा सकता है कि विद्यापीठ में जो है 80% सीटें लगभग हर कोर्स में आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 20% कहीं 10% जो है आपकी सीटें बची होंगी, कहीं 25% होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया आप लगभग अपने अंतिम चरण पे है, लगभग इस महीने में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो मान के चलिए कि लगभग जो है, चूंकि हमारे पास कोई एक एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन मान के चलिए कि 70-75% या कहीं 80% या कहीं 90% सीटें फुल हो चुकी है, ठीक है। अगली बात देखिए एलएलबी की कोर्स के काउंसलिंग को लेकर अभी हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। अभी इसमें अभी जांच कमेटी जो थी उसका अभी कोई रिपोर्ट नहीं आया है। आप सब जानते हैं कि धारावी कुछ मामला था जो कि अभी तक शॉर्ट आउट नहीं हुआ है। अगर इसमें कोई अपडेट आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आगे देखिए कि सर नेक्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगी और पेड सीट लिस्ट कब आएगी। देखिए भाई नेक्स्ट जो मेरिट लिस्ट है संभवतः जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है या तो जो अभी नेक्स्ट वीक शुरू होने वाला है तो उस वीक के लास्ट में यानी कि फ्राइडे सैटरडे तक, या फिर हो सकता है कि नेक्स्ट वीक उसके नेक्स्ट वीक में आएगी, ठीक है। थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। और पेड सीट जो है पेड सीट की जो लिस्ट होती है जैसे ही रेगुलर सीटें फुल हो जाएंगी पेड सीट की लिस्ट भी आनी शुरू हो जाएगी। एक काम करिएगा, बहुत सारे बच्चों में डाउट होता है कि सर पेड सीट कैसे मिलता है। देखिए भाई पेड सीट को लेकर के हमने डिटेल वीडियो लास्ट ईयर बनाया है, एकदम बेसिक्स से लेकर के सारी बातें बताई है। तो एक काम करिएगा आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा एमजीकेपी पेड सीट एडमिशन प्रोसेस
फाइट डीएनएस चैनल, या मेरा नाम लिख लीजिएगा भाई अभिमान सर या डीएनएस चैनल, तो आ जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। उसके बारे में यानी कि पेड सीट किस कोर्स में है, किस कोर्स में नहीं है, पेड सीट की फीस कितनी लगती है, पेड सीट मिलता है कैसे, पेड सीट का कटअप किससे बनता है, सब कुछ मैंने बताया है। तो अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अदरवाइज मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक पिन कर दूंगा। आगे देखिए सर, हॉस्टल के फॉर्म को लेकर क्या अपडेट है? देखिए भाई, हॉस्टल की प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब आपके एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो आप मान के चलिए कि दिसंबर महीने में आपके हॉस्टल की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, फॉर्म आएगा, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप चाहें तो हॉस्टल के बारे में भी सर्च कर सकते हैं, एमजीकेपी हॉस्टल बाय डीएनएस चैनल। तो हमने हॉस्टल को लेकर के भी वीडियो अपडेट किया, कई सारा उसको देख करके प्रक्रिया को समझ लीजिएगा। अदरवाइज जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी मैं आपको इस सेशन की सारी बातें बता दूंगा, तो आप इस तरह से जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। रही बात कि सर फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस है किस किस कोर्स की शुरू हुई है, तो देखिए भाई फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस है कुछ कुछ कोर्सेज की शुरू हो चुकी है, और अगले हफ्ते मान के चलिए अगले एक हफ्ते के अंदर लगभग सभी कोर्सेज की जो कक्षाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी। बाकी अगर जैसे जैसे हमारे पास डिपार्टमेंट वाइज नोटिस आती जाएगी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको शेयर करता रहूंगा, तो आप उसको ज्वाइन जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डेनाइट स्टडी।